गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ रश्मि सिंह फ्रॉम VS मेमोरियल पब्लिक स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर 1 यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ सिविक्स. सो दिस विल बी द पार्ट 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ आर्ट एंड स्कल्पचर. आई होप यू पीपल आर एबल टू सी द कंटेंट. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध आर द केव पेंटिंग्स एट अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र. Miniature art is seen in Pahari, Rajput and Mughal paintings. Earlier, craftsmen built beautiful monuments and places of worship. The stupas of Sanchi were built by Emperor Ashoka and the Taj Mahal by Shah Jahan. The latter is now recognized as one of the wonders of the world. And many famous monuments and buildings are the part of our heritage. Bachcho, basically, jab hum iske first पार्ट में मैंने आपको जो इंडिया में डाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं हैं जैसे फेस्टिवल्स में डांस म्यूज़िक इन सब के बारे में बताया था. आज हम अपने आर्ट एंड स्कल्पचर से पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे या तो आप समझ लीजिए एक तरह से चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. सो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि अगर आप अजंता एलोरा जो कि महाराष्ट्र में वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो लॉर्ड बुद्धा जिनको आप गौतम बुद्ध कहते हैं उनके टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड बनी हुई है. मतलब उन्होंने जो लोगों को सीख देते हैं या उसी से रिलेटेड पेंटिंग्स आपको अजंता एलोरा में देखने को मिलेंगी जो कि महाराष्ट्र में. इसके अलावा अगर आपको मिनीचर आर्ट देखना है तो वो आपको राजपूत मुगल पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी. पहले के जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स भी बनाते थे. इनके अलावा ऐसे प्लेसेस जहाँ वर्कशिप पूजा की जाती है. स्तूप ऑफ सांची ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था और शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल. ये यहाँ दो चीज़ और इन्होंने मेंशन की है. और लास्ट दो लाइंस में इन्होंने ये कहा कि जो पहले के लोग बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स और जो बिल्डिंग्स जो बनाते थे वो हमारे जो इंडिया है उसकी एक धरोहर है. और आप देखते होंगे कि आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सब फेमस प्लेसेस के नाम लिए जाते हैं. लोग बाहर बाहर से आते हैं एज ए टूरिस्ट हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों को जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो वर्कशिप वाले प्लेसेस हैं इनको देखने के लिए. सेकेंड पैराग्राफ में फूड दिया गया है. द फूड ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रोन इन आर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द लैंड फॉर्म क्लाइमेट एंड सीजन. स्पाइसेस सच एज चिलीज टर्मरिक पेपर कैडमम क्लोव्स आर ग्रोन. स्वीट्स सच एज रसगुल्लास श्रीखंड पायसम एंड लड्डूज आर पॉपुलर इन इंडिया. देखिए बेटा फूड्स के लिए कहा गया तो नॉर्मल सी बात है कि जब इतने डिफरेंसेस हैं तो लोगों के फूड आइटम्स में भी तो बहुत डिफरेंसेस होंगे. और बेसिकली जो फूड ग्रेन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स किसी जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डाइवर्स है इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ का लैंडफॉर्म या वहाँ का क्लाइमेट या वहाँ की सीज़न कैसे उसकी वजह से इतनी सारी डिफरेंसेस देखने को गई थी मतलब पाई गई है. एग्जाम्पल्स में इसमें आपको कुछ दिए हुए. लास्ट नॉट द लीस्ट क्लोथ्स के लिए कहा गया. देखिए लैंड एंड क्लाइमेट ऑल्सो डिटरमाइन द ड्रेस वर्न बाय द पीपल ऑफ एन एरिया. सम पार्ट्स आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट एंड सम एरियाज आर नियर द सी. इन सम पार्ट्स समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड वाइल इन अदर पार्ट्स द क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर. देखिए ये कहा गया कि जब लैंड और क्लाइमेट में इतना डिफरेंस है पर्टिकुलर हर एक इंडिया के पार्ट में तो वहाँ के लोगों के जो ड्रेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ बहुत सारे घने जंगल हैं कुछ समुद्री किनारे हैं कुछ जगह ऐसी है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है कुछ जगह ऐसी है जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है. तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के क्लाइमेट या वहाँ के लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों के ड्रेस भी डिफरेंट होते हैं. कुछ पॉपुलर ड्रेसेस इन्होंने पैराग्राफ में मेंशन किया. देखिए ये भी पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं कि गुजरात में जो मेल या फीमेल है वो कैसे कपड़े पहनते हैं. क्योंकि सबके आप देखेंगे नॉर्मली जो इस चैप्टर में फिगर भी दिया हुआ है 185 पेज नंबर पे ये जो फिगर है इसमें आप देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी शो की गई है एक एक करके. तो ऐसा डिफरेंसेस पाया जाता है हम सब में ड्रेसेस में ऑल ओवर द इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में. द पॉपुलर ड्रेसेस इन आर कंट्री आर सलवार कमीज विद दुपट्टा इन पंजाब. देखिए एक एक करके एक एक स्टेट्स के ड्रेस ये बता रहे हैं. मैं रीड करते चल रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. द पॉपुलर ड्रेसेस इन आर कंट्री आर सलवार कमीज विद दुपट्टा इन पंजाब. घाघरा कुर्ता विद एन ओढ़नी इन हरियाणा. घाघरा कचली इन राजस्थान. लहंगा चोली इन गुजरात.
मुंडू ब्लाउज इन केरला, मैन जनरली वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। तो ये कुछ ड्रेसेस के नाम मैंने आपको बताए, पंजाब में क्या है, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। कुछ ड्रेसेस जो मेंस के लिए हैं, जैसे पैजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता और लुंगी शर्ट सॉरी, ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। फिगर्स में भी आप देखते होंगे, केरला या साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ आपको अक्सर लोग जो शर्ट होते हैं या शर्ट पहने रहते हैं, लुंगी पहने रहते हैं, मतलब वो कोई फंक्शंस में भी जाते हैं तो वो भी उनका वहाँ भी उनका, क्योंकि ड्रेस कोड वही होता है। शायद एक तरह से वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैन इन राजस्थान वेयर द चूड़ीदार कुर्ता विथ अचकन एंड चूड़ीदार विथ जैकेट इज़ वन इन गुजरात। देखिए ये अचकन, जैसे अचकन आपको एक तरह से हम ये कहेंगे जो सर पे पहना जाता है, पगड़ी अलग चीज़ हो गई, अचकन ऐसे होता है कपड़े से मतलब सर के ऊपर। आपने अगर राजस्थान की ड्रेस देखा होगा या आप नेट पे सर्च करिएगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि वो ड्रेस कैसे हैं। गुजरात में चूड़ीदार विद जैकेट, क्योंकि आप देखें होंगे वहाँ जो कोई मतलब कुर्ता उर्ता पहन रहते हैं तो उसके ऊपर जैकेट वेयर किए रहते हैं। तमिलनाडु में इन तमिलनाडु मेंस लुंगीज वर कॉल्ड वेस्टी एंड इन केरला दे आर कॉल्ड मुंडू। देखिए डिफरेंट होता डाइवर्सिटी के वजह से जो कपड़े हैं उनके अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। मैन इन वेस्ट बंगाल एंड असम मोस्टली वेयर धोती कुर्ताज, इवन द स्टाइल ऑफ टाइंग द टर्बन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए सर पे जो पगड़ी बांधी जाती है वो भी स्टेट के अकॉर्डिंग अलग होती है। आप अब जैसे पंजाबी सर पे पगड़ी बांधते हैं, वैसे आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में लोगों को बांधते हुए नहीं देखोगे। अगर वो अपने सर पे कोई कपड़े से बांधते हैं तो वो एक अलग तरीके से बांधते हैं। इन द हिली रीजन्स ड्यू टू कोल्ड द कश्मीरीज वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड पिया। देखिए ये जो कहा गया, अगर आपने कश्मीर आप जाओगे कभी ट्रैवल करने या आपने कोई पिक्चर्स देखी होंगी तो वहाँ के जो लोग होते हैं खूब लंबे लंबे वुलन कुर्ते पहनते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से। एंड दिस इज़ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, बट द यूनिटी द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट प्रूव्स दैट ऑल दो वी हैड एंड स्टिल हैव अ डाइवर्स कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स, people from the different regions come together to fight against the foreign rulers. The Indian flag, the national anthem, the patriotic song are all the symbols of a unity. बच्चों याद है मैंने जो आपको फर्स्ट बार यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड एक वीडियो सेंड किया था तो उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, यूनिटी एकता। ये पैराग्राफ में इन्होंने कहा कि इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद, कल्चरल डिफरेंस था, बैकग्राउंड था, अलग अलग रीजन से आए थे, तब भी हम सब एकजुट होकर फॉरन रूलर्स से लड़े। किस लिए? क्योंकि हम फ्रीडम चाहते थे और इसी का सिंबल है हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, पेट्रोटिक सॉन्ग्स, हमारी यूनिटी का ये सिंबल है। एंड द लास्ट पैराग्राफ, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है, प्रोग्रेस इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ एनेबल्ड अस टू ओवरकम द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हैज़ रेवोलूशनाइज्ड इन अ वे ऑफ लिविंग। देखिए इस पैराग्राफ में कहा कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होते गया, हमारे जो जीने के तरीका इसमें भी एक कहते हैं रेवोल्यूशन आ गया और हम अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से पार करके वर्ल्ड में और कंट्रीज से लिंक होकर इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक तरह से या कल्चर तरीके एक दूसरे से कनेक्टेड होते गए। किससे? ग्लोबल नेटवर्क के द्वारा। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, मतलब पूरे जितने भी आपके अपनी मतलब हमारी कंट्री में तो हम एक दूसरे स्टेट से कनेक्टेड ही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बट इसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं उनसे भी। और इनका रीज़न, ये कनेक्शन का जो मेन रीज़न है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस होती गई, भाई हम एक दूसरे के यहाँ जा सके। जब हम लोग आप जब हड़प्पा मोहन जोदड़ो के टाइम की जब हिस्ट्री हम पढ़ाई देंगे तो उसमें आप देखिएगा लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सामान खरीदने बेचने के लिए जाते थे, पर आज लोग घूमने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वहाँ स्टे मतलब जॉब्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा पावरफुल होते गया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्ट इन स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। देखिए कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से मतलब एक साझा कर सकते हैं। इकोनॉमिकली स्पीकिंग इट हैज़ इंक्रीज द मनी फ्लो, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम व्यापार के माध्यम से सोचने करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आपका मनी फ्लो है, भाई व्यापार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अगर
जो कंट्री है वो भी पावरफुल होगी, पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं से पावरफुल तो होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कि आप देखिए जैसे अब अभी का सिचुएशन क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही चाहते हैं कि हम लोग अपने जो लोकल चीज़ें उसको यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मल से बात है जो पैसा आप दूसरों को दोगे अगर आप अपनी ही कंट्री में वो पैसा यूटिलाइज्ड होगा, आप अपनी ही कंट्री में वो चीज़ खरीदोगे तो इससे आपके ही कंट्री की इकनॉमी को फ़ायदा होगा, इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं। दिस हैज़ ब्रॉट ऑल द कंट्रीज इन टू अ सिंगल जॉइंट वर्ल्ड मार्केट। सो इसी अब देखिए एक जॉइंट वर्ल्ड, एक वर्ल्ड मार्केट जो लास्ट लाइन इन्होंने कहा कि अब जब सारे कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं और जो कनेक्शन हुआ है वो सब एक जाके एक सिंगल जॉइंट वर्ल्ड मार्केट में जुड़ गए हैं। मतलब एक होता नहीं है कि एक बहुत एक नॉर्मल से अगर हम एग्जांपल लेकर समझें कि जैसे 3-4 अलग अलग सोसाइटीज़ हैं और उसके बीच में एक मार्केट है, तो हर सोसाइटी का इंसान या आदमी होगा ना वो आएगा इसी मार्केट से सामान लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट एक सिंगल मार्केट उन सब के लिए एक कनेक्शन बन गया है। तो वैसे ही इसमें बताया गया है। सो बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है, अगर आपको कोई भी इश्यूज होगा तो आप मुझे कॉल मैसेज कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।